नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भी हम सेल वाउचर को, रिसिप्ट वाउचर को या फिर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो हमारी कंपनी के द्वारा कस्टमर को जो वाउचर इशू किए जाते हैं उसको हम PDF फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में या फिर एक्सेल में फॉर्मेट उसको कन्वर्ट करके हम कस्टमर को व्हाट्सएप या फिर ईमेल किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हम किसी कारणवश कस्टमर को हार्ड कॉपी जो नहीं दे पाते हैं या फिर कस्टमर के पास जो हमने इनवॉइस उसको ऑलरेडी दे दी हार्ड कॉपी के रूप में और वो किसी कारण कस्टमर के पास मिसप्लेस हो जाते हैं, तो कस्टमर हमारे से दोबारा उसको ऑनलाइन डिमांड कर लेते हैं कि आप हमें उस वाउचर की PDF सेंड कर दो, JPG सेंड कर दो या फिर एक्सेल फॉर्मेट में आप हमें व्हाट्सअप या ईमेल कर दो। तो दोस्तों, हम किस तरीके से PDF, एक्सेल और JPG में कन्वर्ट करते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में टेली के वाउचर को, ये सब कुछ इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के यूज़र हो तो इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो भी वाउचर हमें PDF, एक्सेल या JPG में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले उस वाउचर को हमें ओपन करना होता है। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल हम डे बुक पर चलते हैं और हम टोटल वाउचर को ऑन कर लेते हैं। तो अब मान लीजिए, जैसा कि हमने कस्टमर को सेल इनवॉइस इशू किया है, अब इस सेल वाउचर की हमें PDF में इसको कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों, PDF में कन्वर्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक्सपोर्ट ऑप्शन की, जो हमारे पास होता है यहाँ पर, और इसकी शॉर्टकट जो कमांड है वो है एल्ट के साथ ई। तो हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, तो जैसे हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रिपोर्ट में ऑप्शन आ जाएगा करंट का। हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में जैसे हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारे पास आ जाएगी एक्सपोर्ट से रिलेटेड, और उसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है फाइल फॉर्मेट का। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर PDF, एक्सेल या JPG यानी कि जिस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो वो फॉर्मेट अगर आपको यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वैसे यहाँ पर ये डिटेल हमें दिखा रहा है भी एक्सपोर्ट लोकल ड्राइव में जाएगी और इसका जो फोल्डर पाथ है ये डी ड्राइव में, टेली प्राइम का जो फोल्डर हमारा बना हुआ है उस फोल्डर में जाएगी और उस फाइल का जो नाम है वो ये नाम रहने वाला है। तो हम सभी को चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर शो मोर पर क्लिक कर लेना है ताकि जो भी आपके पास हाइड है जो फीचर्स वो ऑन हो जाएंगे। और उसके बाद में बिल्कुल लास्ट में हमें आना है स्क्रॉल करते हुए, और उसके बाद में ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड सेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अभी जो फॉर्मेट हमारे पास आ रहा था डिफ़ॉल्ट का और फाइल फॉर्मेट ASCII के फॉर्मेट में, और हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है इसको PDF में। तो यहाँ पर हम इस पर इंटर प्रेस करेंगे, तो जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये एक्सपोर्ट सेटिंग हो जाएगी और ये टोटल जो हमारे पास फाइल है फॉर्मेट की वो सारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब हमें PDF में कन्वर्ट करना है तो हम इस पर PDF पर क्लिक करेंगे, तो जैसे हम PDF पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर PDF आ जाएगा। और उसके बाद में अगर आप इसकी कोई ड्राइव अगर यहाँ से चेंज करना चाहते हैं या ओपन फाइल का जो नाम अगर हम चेंज करना चाहें फाइल का, जैसे कि बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है अकाउंटिंग वाउचर डॉट PDF का, अगर हम इसका नाम यहाँ से चेंज करना चाहें तो हम इस पर भी आके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम नाम है जो चेंज कर देंगे। अब नाम चेंज करने के लिए आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर को हटा दिया और जो मेरा कस्टमर है मैं उस नाम से यहाँ पर लिख देता हूँ राजकुमार और इनवॉइस नंबर 2, ताकि आपको पता रहे। एंटर प्रेस करेंगे और उसके अलावा अगर आप ड्राइव भी चेंज करना चाहते हो यानी कि फोल्डर का पाथ अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहां से चेंज कर सकते हो, और कंट्रोल ए के साथ हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखोगे यहां पे फाइल फॉर्मेट अब जो PDF में आ चुका है, और यहाँ पे जो अभी फाइल का नाम वो भी हमने जो चेंज किया था वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा, और नंबर ऑफ कॉपी या आप एक कॉपी, दो कॉपी, तीन कॉपी, जितनी भी कॉपी आप निकालना चाहो तो वो भी हम यहाँ से कॉन्फ़िगर पे जाके सेटिंग बेस पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे एक ही कॉपी चाहिए, तो मैं उसके बाद में फाइनल होने के बाद में क्लिक करना होगा सेंड के ऑप्शन पर। तो जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल PDF के अंदर
एक्सपोर्ट होकर हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ये वो इनवॉइस है जो अभी हमने टेली सॉफ्टवेयर में देखा था। तो दोस्तों अब इसका लोकेशन हमें पता चल ही गया, जो लोकेशन की जो पाथ थी अगर आप फिर भी भूल चुके हो तो यहाँ से आप दोबारा हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा अभी ये डी ड्राइव में टेली प्राइम 1 का फोल्डर है, उस फोल्डर में जाके सेव हो चुके हैं। तो हम इसको क्लोज करके अगर वहाँ से देखना चाहें तो हम वहाँ से भी जा सकते हैं, डी ड्राइव में और डी ड्राइव में टेली प्राइम 1 का फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर जो हमने नाम दिया था फाइल का वो फाइल हमारे पास यहाँ पर सेव हो जाएगी, ये राजकुमार इनवॉइस नंबर 2 का। अब इसको हम कॉपी करके व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू हम इसको सेंड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कस्टमर डिमांड करता है भी आप मुझे पीडीएफ में नहीं जेपीजी के अंदर कन्वर्ट करके दो, तो दोस्तों सेम वही ऑप्शन हम यहाँ पर दोबारा यूज़ करेंगे। पीडीएफ की जगह हमें जेपीजी फॉर्मेट लेके आना है, तो कॉन्फिगर पर हम क्लिक करेंगे, देन वापस हम बिल्कुल स्क्रॉल करते हुए एंड पर आएंगे और फाइल फॉर्मेट पीडीएफ के ऊपर आके हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से हम जेपीईजी का जो इमेज है उसको हम फाइल फॉर्मेट एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में अगर आप फाइल का नाम भी चेंज करना चाहें तो वापस हम यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हम वापस नाम चेंज कर देंगे राजकुमार बिल नंबर 2 और एंटर प्रेस करेंगे कंट्रोल ए के साथ। और उसके बाद में जो फाइल का जो फॉर्मेट आप देख रहे हो यहाँ से जेपीजी इमेज में कन्वर्ट हो गया है और इस ये जो फाइल का नाम है ये रहने वाला है। क्लिक करेंगे हम सेंड पे, तो जैसे हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो ये हमारा जेपीजी फॉर्मेट के अंदर है जो कन्वर्ट हो गया। ऑप्शन आपको बिल्कुल सेम दिखाई देगा, चाहे आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो चाहे आप जेपीजी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। अब कई बार सपोर्ट करता है, डिपेंड करता है कि कस्टमर के पास ये जो ऑप्शन है वो पीडीएफ सपोर्ट करता है या फिर जेपीजी फॉर्मेट है वो सपोर्ट करता है। अमूमन ज़्यादातर पीडीएफ के थ्रू ही डिमांड करते हैं कस्टमर। तो इसी तरीके से हम सेल इनवॉइस के साथ साथ रिसिप्ट वाउचर को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए सेम वही ऑप्शन, हमें वाउचर को ओपन करना पड़ेगा और कंट्रोल ई हम प्रेस कर सकते हैं। अगर आप एल्ट ई प्रेस करोगे तो आपके सामने दो बार आपको यहाँ से आना पड़ेगा, कंट्रोल ई से आपके पास एक्सपोर्ट की विंडो ओपन हो जाएगी, देन आप कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हो या करंट पर क्लिक करेंगे तो सेम इसी विंडो पर हम वापस आ जाएंगे। सेम वही ऑप्शन, अगर रिसिप्ट वाउचर को भी हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहें तो कॉन्फिगर पर आएंगे, स्क्रॉल करते हुए वापस हम नीचे आएंगे और जेपीजी पे आके एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से हम ये फॉर्मेट हमारे पास में है लिस्ट ऑफ फाइल फॉर्मेट। अमूमन ज़्यादातर हम पीडीएफ का यूज़ करते हैं, उसके बाद में अगर किसी भी टाइप की कोई हमें अलग से फॉर्मेटिंग करनी हो तो हम एक्सेल यूज़ कर सकते हैं या फिर जेपीजी फॉर्मेट। एचटीएमएल वेब पब्लिशिंग के लिए तो बहुत ही कम ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पीडीएफ पे जाएंगे, पीडीएफ हमने कर दिया और उसके बाद में बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम है वो अकाउंटिंग वाउचर हो जाता है। इसको आपको अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज मैं अकाउंटिंग वाउचर को ही रखूँगा और कॉन्फिगर पर क्लिक करूँगा। सेंड करने इसको वापस एक्सपोर्ट करने के लिए सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास में जो डिटेल है इसकी रिसिप्ट वाउचर की, वाउचर आपके पास यहाँ लिखा आ जाएगा रिसिप्ट वाउचर, और उसके बाद में ये रिसिप्ट वाउचर की टोटल डिटेल हमारे पास 2 दिसंबर और ये केस के अंदर ये राजकुमार की रिसिप्ट है। तो इसी तरीके से हम अगर हमने टेली सॉफ्टवेयर में क्रेडिट नोट वाउचर को या डेबिट नोट वाउचर को इशू किया हुआ है तो सभी को हम इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कस्टमर को हम ऑनलाइन व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू इसको अटैचमेंट करके सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।